हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैन इम्परफेक्ट। इट्स मी योर फ्रेंड हंसराज। गाइस, इन अ प्रीवियस लेक्चर हमने कंप्लीट किया था चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म विद द लास्ट वीडियो लेक्चर ऑफ ट्रांसफॉर्मर एंड इट्स पर्पसेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सो पहले तो हम देखेंगे इसकी स्पेसिफिकेशन में क्या अहमियत है, वैल्यू क्या है। So you can see here chapter number 17 information and communication technology, जिसमें से आपके पास आएंगे 4 MCQ and 1 CRQ, okay? और वो CRQ आपके पास 2 marks का होगा। तो total ये वाला chapter आपके पास 6 marks का revenue generate करेगा। So let us start and इसे अच्छे से study कर लेते हैं। एंड दूसरी चीज, ये बिल्कुल एक हलवा वाला चैप्टर है, बिकॉज इसमें बिल्कुल सिंपल बेसिक से थोड़ी टेक्निक्स या मेथड्स को डिस्कस करेंगे हम, और कुछ डिवाइसेस को स्टडी करेंगे। एंड फॉर कंप्यूटर स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से ना ये बहुत ही इजी होने वाला है, बट बहरहाल ध्यान तो देना है। सो लेट अस स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड के आपका जो चैप्टर का नाम है उसका मतलब क्या होता है। फाइन, सो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऐसे हम कहते हैं ICT। सो प्रॉब्लम ये है कि मैंने एक और वीडियो इसकी ना रिकॉर्ड कर ली थी, लेकिन रिकॉर्ड करते वक्त मैंने इसका माइक ओपन नहीं किया था, जिसकी वजह से स्क्रीन तो रिकॉर्ड हो गई, माइक मेरा ऑफ था। सो अगेन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हियर इट इज फॉर यू, कि व्हाट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इस वर्ड को हम समझ लेते हैं, तो लेट अस स्टार्ट। इंफॉर्मेशन ऐसे हम कहते हैं ICT। आपने ICT टर्म यूज किया होगा खुद भी, कि हमें ना ICT लैब में जा रहे हैं फला फला। सो ये होता क्या है, ये आपके पास होते हैं साइंटिफिक मेथड्स। ओके, साइंटिफिक, सो साइंटिफिक मेथड्स होते हैं, यहाँ कहो साइंटिफिक वेज होते हैं, या साइंटिफिक टेक्निक्स कह दो आप, या आप कह सकते हो साइंटिफिक मीन्स हैं। ओके, टू ट्रांसमिट मतलब ट्रांसफर करना, ओके रिसीव्ड मतलब स्टोर करना, प्रोसेस जो कि आपका प्रोसेसर करता है, स्टोर मतलब चीजें ना सेव करना, स्टोर करना अपने सिस्टम के अंदर, एंड आपका लास्ट पॉइंट आ जाता है रिट्रीव। रिट्रीव, आई होप आपने ना ये वर्ड कभी यूज नहीं किया होगा, या शायद कुछ बच्चों को पता हो या ज्यादा बच्चों को पता नहीं होगा। रिट्रीव मीन्स रीस्टोर करना। सो आई होप रीस्टोर नाम का जो वर्ड है वो आपकी डिक्शनरी में होगा, मतलब ऐसी चीज जो है ना आप खो चुके हैं उसे वापस पा जाए, मतलब कोई चीज ऐसी फाइल डिलीट हो चुकी हो वो वापस आप उस फाइल तक एक्सेस कर लें, दैट इज कॉल्ड रिट्रीवल। ओके, अब ये कैसे हो रहा है और किस चीज को हम कर रहे हैं। So, हम करते हैं ट्रांसफर किसे, इंफॉर्मेशन को, रिसीव भी किसे करेंगे इंफॉर्मेशन को, प्रोसेस स्टोर एंड रिट्रीव भी किसे करेंगे इंफॉर्मेशन को। ओके, और वो कैसे करेंगे, वो हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ऐसे डिवाइसेस की हेल्प से जो कि आपके पास बिजली पे चलते हैं। ओके, या सिंपली वी कैन से दे नीड पावर, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। एक डेफिनेशन आपके सामने ये आ गई कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बोलो या ICT, वो मेथड्स को साइंटिफिक मेथड्स हैं, वेज हैं, या टेक्निक्स या मीन्स हैं टू ट्रांसफर, या तो रिसीव करो, या तो प्रोसेस करो, या तो स्टोर करो, या तो रिट्रीव करो इंफॉर्मेशन को, और किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ओके, इसकी एक और इजी डेफिनेशन दैट आई थिंक वुड बी के इलेक्ट्रॉनिक बेस सिस्टम, ओके, ऑफ इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन रिसेप्शन, ओके स्टोरेज प्रोसेसिंग
एंड रिट्रीवल. ये जो डेफिनेशन मैंने सेकंड बनाई, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द अबव डेफिनेशन, या इजी तरीके में लिखा है. कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक बेस सिस्टम हो, मतलब आईसीटी आपके पास एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक बेस सिस्टम है, किस चीज का? इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन का, इंफॉर्मेशन रिसेप्शन का, इंफॉर्मेशन स्टोरेज का, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का एंड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल का. ओके, सो इट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ दिस चैप्टर्स नेम के आईसीटी हम किसे कहते हैं. ओके, मूविंग फॉरवर्ड 17.1, जिसमें कहता है कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमें स्टडी करने. लेकिन उससे पहले आई विल टीच यू के इंफॉर्मेशन और डेटा इन दोनों टर्म्स का मतलब क्या है और डिफरेंस क्या है. सो डिफरेंस एक सिंपल है जो कि हमें ना नेगेट कर देते हैं, हम इन दोनों वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज करते रहते हैं. सो लेट अस अंडरस्टैंड के व्हाट इज द डिफरेंस. सो इंफॉर्मेशन वर्सेस डेटा. ओके, सो आपके पास डेटा जो है, डेटा इज द रॉ मटेरियल ऑफ इंफॉर्मेशन. ओके, आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसका रॉ मटेरियल होता है डेटा. एंड इंफॉर्मेशन पता है क्या है? इंफॉर्मेशन इज द प्रोसेस्ड डेटा. अब देखो, जरा बात को समझने की कोशिश करो. दो टर्म्स है, इंफॉर्मेशन एंड डेटा, जिन्हें आप इंटरचेंजेबली यूज करते रहते हैं. आई होप आज से नहीं करेंगे. डेटा आपके पास होता है रॉ मटेरियल किसी भी इंफॉर्मेशन का. ओके, और जब वो इंफॉर्मेशन आपका कंप्यूटर प्रोसेस कर दे, ओके, जब उस कंप्यूटर में ये पूरा अमल हो जाए प्रोसेसिंग का, देन आपके पास क्या होगा? वो डेटा जो वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा. अभी मेरे पास ये जो लोडिंग का एक्शन आ रहा था, दैट वाज प्रोसेसिंग. मेरा वर्ड फाइल प्रोसेस कर रहा था इन डेटा को. ओके, सो डेटा जब प्रोसेस हो जाए तब उसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन. फाइन, अब आगे बढ़ते हैं. हम डिस्कस करेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ आईटी क्या होते हैं. ओके, लेकिन उससे पहले हमारा एसएलओ क्या कहता है वो देख लेते हैं. एसएलओ सेज के डिस्क्राइब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी मतलब, एंड द कंपोनेंट्स ऑफ आईटी. आईटी के कंपोनेंट्स कौन से हैं? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, प्रोसीजर एंड पीपल. सो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, प्रोसीजर एंड पीपल, ये आपके पास कंपोनेंट्स ऑफ आईटी हैं. बिफोर दैट वी विल डिस्कस कि आईटी क्या होता है. ओके, सो आईटी की डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. वैसे इस चैप्टर में आपको जो भी मिलेगा दैट वुड बी रिलेटेड टू द डेफिनेशंस. ओके, पूरा का पूरा आपके पास है ना, ये डेटा एप्लीकेशन वाला चैप्टर है. सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मींस आईटी. ओके, अब ये होता क्या है आपके पास? आईटी आपके पास होता है, ये ना इस डेफिनेशन को यू वुड रिलेट विद द डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और आपको लगेगा एक ही चीज है, बट बेसिकली ये आपके पास डिफरेंट चीजें होती हैं. ओके, सो आईटी आपके पास है साइंटिफिक मेथड्स यूज्ड टू स्टोर, to arrange, information for proper use and to communicate to it others. Sorry, communicate it to others. Okay. सो आईटी आपके पास क्या है? आईटी आपके पास साइंटिफिक मेथड है. व्हाट इज आईटी? आईटी आपके पास एक साइंटिफिक ऐसा मेथड होता है या टेक्निक या वे होता है जिसको आप यूज करते हैं टू स्टोर या टू अरेंज इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन को अरेंज एंड स्टोर करने के लिए आप यूज करते हैं आईटी के साइंटिफिक मेथड्स को. ओके,
अब इंफॉर्मेशन को अरेंज या स्टोर क्यों करते हैं? हम इंफॉर्मेशन को अरेंज या स्टोर इसलिए करते हैं कि हम उसे प्रॉपरली यूज कर सकें और उससे हमें ना कम्युनिकेट कर सकें, मतलब उससे हमें ना ट्रांसफर कर सकें, प्रोसेस कर सकें. ओके, सो इट इज द डेफिनेशन ऑफ आईटी. व्हाट इज आईटी? तो आईटी की डेफिनेशन आपको अब अच्छे से पता होनी चाहिए. नेक्स्ट कम्स द कंपोनेंट्स ऑफ आईटी. सो आईटी के कंपोनेंट्स आपके पास हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को पहले डिस्कस कर लेते हैं. सो हार्डवेयर, व्हाट इज हार्डवेयर? हार्डवेयर आपके पास मशीनरी होती है. ओके, तो लिख लेता हूँ कंपोनेंट्स. सो नंबर वन इज हार्डवेयर. हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर आपके पास है ना मशीनरी होती है, या जो भी आपके पास सामने हार्डवेयर, मतलब सिंपली मैं बताऊं कि आप सपोज मैं लैपटॉप चला रहा हूं, ये लैपटॉप का जो आउटसाइड है, जो कीबोर्ड है, मेरे पास टच पैड है, जो स्क्रीन जिसे मैं टच कर सकता हूँ. सो ये सारी की सारी चीजें जिन्हें मैं टच कर सकता हूँ, मैं ना अपने हाथों से टच करके महसूस कर सकता हूँ, देख सकता हूँ इन सारी की सारी चीजों को. दीज ऑल थिंग्स आर माई हार्डवेयर. मशीनरी जो भी मेरे पास है, मशीनरी या मशीन के कंपोनेंट्स, स्पीकर वगैरह, चार्जर वगैरह, इन्हें मैं कहता हूँ हार्डवेयर. ओके, सो हार्डवेयर इज ऑल अबाउट मशीनरी और फिजिकल कंपोनेंट्स. सो हार्डवेयर आपके पास मशीनरी होती है और फिजिकल कंपोनेंट्स को हम कहते हैं हार्डवेयर. ओके, एग्जाम्पल मैं दे दूं आपको हार्डवेयर की. सो एग्जाम्पल आपके पास आती है कि आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, या एलसीडी कह दो, ये आपके है ना क्या होते हैं? हार्डवेयर होते हैं. ओके, मॉनिटर की स्पेलिंग शायद गलत लिखी है मैंने, ओ आएगा है ना. ओके, सो इट इज सिंपल डेफिनेशन ऑफ हार्डवेयर. हार्डवेयर क्या होता है? ओके, अब बात आती है व्हाट इज सॉफ्टवेयर. हम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? सो यू कैन सी मैं अभी क्या कर रहा हूँ, आपको पढ़ाने के लिए मैं एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, दैट इज नोन एज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. या और स्पेसिफिकली मैं बता दूं तो मैं यूज कर रहा हूँ एमएस वर्ड. सो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे मैं डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकता हूँ. व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, आपको समझाते एक डॉक्यूमेंट भी क्रिएट कर रहा हूँ मैं. इफ आई वॉन्ट, मैं आपको समझाने के बाद इसे सेव करके आपको सेंड भी कर सकता हूँ. ओके, सो आपके पास सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम होता है. ओके, सिंपली सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम होता है. व्हाट इज प्रोग्राम या व्हाट इज सॉफ्टवेयर? प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर आपके पास कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि कंप्यूटर को कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं कि आपका कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करे टू डू द परफेक्ट या स्पेसिफिक जॉब्स. रिपीटिंग अगेन कि सॉफ्टवेयर आपके पास आर द सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. ओके, used to execute specific data या specific task या specific operating computers or sorry specific operating systems वगैरह का ऐसे कोई word होता है. ओके, जो मेरे ज़हन में नहीं आ रहा. So let me show you the definition by writing it on that. So what is it? कि software जो ना it is the set of instructions. Set of instructions given to computer. Okay, software आपके पास एक set of instructions है given to computer to do specific task. Okay, by operating computers. So, word जो मेरे ज़हन में नहीं आया, that was by operating computers. So, क्या है? Software आपके पास कुछ instructions हैं जिन्हें आप computer को देते हैं. Then you make a software. Okay, जब software बन गया तो आप है ना उसे एक specific task करने के लिए use करते हैं. जैसे कि जिस बंदे ने इस MS Word को बनाया होगा, उसने कुछ programming languages use करके
एक सॉफ्टवेयर का हो या एक प्रोग्राम बनाया होगा एमएस वर्ड नाम का, ओके, जिसे हम यूज कर रहे हैं टू डू स्पेसिफिक टास्क, ओके। और वो स्पेसिफिक टास्क कैसे हो रहा है, बाय हम स्पेसिफिक टास्क कैसे कर रहे हैं, हम कंप्यूटर को ऑपरेट करके या यूज करके वो स्पेसिफिक टास्क कर रहे हैं। एंड वॉट इज दैट स्पेसिफिक टास्क, दैट स्पेसिफिक टास्क इसके हम इसे यूज करके डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, ओके। सो इट इज ऑल अबाउट सॉफ्टवेयर। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, तो एग्जाम्पल तो एक आपके पास आ जाती है एमएस वर्ड, जो कि मैं आपसे सामने ना यूज कर रहा हूँ, ओके। दूसरी आपके पास आ जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि आपके कंप्यूटर को ऑपरेट करने में मदद करता है, ओके। इसको डिस्कस करना हमारे पास है ना अभी टॉपिक एसएलओ में नहीं है, तो वी विल नॉट डिस्कस, इस पे पूरे पूरे चैप्टर्स होते हैं। सिंपली ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी विंडोज वगैरह होती है ना, विंडोज का हो या मैक में जो लिनक्स वगैरह हम यूज कर रहे हैं, या मैक की अलग से विंडोज हैं, तो ये सारी की सारी विंडोज या ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स यूनिक्स वगैरह, दीज आर ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ओके। ये भी सॉफ्टवेयर आपके पास होते हैं। दूसरी आपके पास गेम्स हो गए, मीडिया प्लेयर्स वगैरह हो गए, दीज ऑल आर सॉफ्टवेयर्स, ओके। जो भी सॉफ्टवेयर्स की मैं सिंपल डेफिनेशन एक और बता दूं, जो भी चीजें आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, स्क्रीन के अंदर जो भी चीजें आपके पास हो रही हैं, वो सारी के सारी सॉफ्टवेयर्स हैं, ओके, जो कि आपको पूरा एक आउटपुट दे रहे हैं। जैसे कि मैं अपने डेस्कटॉप पे चला जाऊं, तो यू कैन सी मेरा गूगल क्रोम है, सो इट इज अ वेब सॉफ्टवेयर। रिसाइकल बिन, ये भी मेरा एक सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट एज, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। एमएस एक्सेल है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। डेव सी प्लस प्लस एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, ओके। सो दीज ऑल आर सॉफ्टवेयर, जो कि व्हाट्सएप मेरा एक सॉफ्टवेयर है। सो दीज ऑल आर माई सॉफ्टवेयर्स, ओके। सो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में एक छोटा सा डिफरेंस जो मैंने आपको समझा दिया, या कहो यही एक है ना सबसे मेन डिफरेंस है। देन डेटा आपके पास आता है, तो मैंने क्या कहा था, डेटा मैंने आपको पहले भी समझा दिया है, वापस से इसकी एक और डेफिनेशन बता दूं। मैंने यहाँ पे बताया कि डेटा क्या है, एक रॉ मटेरियल इंफॉर्मेशन का। सो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि डेटा क्या है, डेटा इज द फैक्ट्स एंड फिगर, सही, डेटा इज द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। डेटा क्या है आपके पास, कलेक्शन है फैक्ट्स एंड फिगर्स की, ओके, जिसको आप प्रोसेस करेंगे तो वो बन जाएगा रॉ, आपका रॉ मटेरियल है अभी, इसे अगर प्रोसेस करोगे तो ये आपकी इंफॉर्मेशन बन जाएगी। देन आपके पास आता है प्रोसीजर, एंड दिस टर्म इज समहाउ रिलेटेड टू आपके पास सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। सो लेट अस अंडरस्टैंड के व्हाट आर प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स आपके पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं या कुछ रूल्स होते हैं टू डिजाइन एंड यूज सिस्टम। अब मैं ये पीसी यूज कर रहा हूँ, तो इसको यूज करने के लिए मेरे पास कुछ रूल्स होंगे, ओके, जो कि अभी आई नो कि मुझे नहीं पता। सो सिंपल मैं बताऊं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड रूल्स टू डिजाइन एंड ऑपरेट कंप्यूटर सिस्टम्स। आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो, सो उसे यूज करने के लिए आपके है ना प्रोसीजर में कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस होंगे जो कि डिजाइन किए गए होंगे, ओके। उन रूल्स के तहत ही आप इस कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हो, फाइन। कंप्यूटर सिस्टम हो गया, आप इससे इंफॉर्मेशन को रिट्रीव, डेटा ट्रांसफर, रिसीव वगैरह कर रहे हो, वो सारे का सारा इन रूल्स के तहत होता है। सो आपको सिर्फ डेफिनेशंस को ही करना है स्टडी। यहाँ पे आगे आता है पीपल। अब पीपल में मैं क्या आपको समझाऊं, आप खुद पीपल लगे हुए हो, पीपल मतलब लोग, ओके। सो पीपल आर द, वी कैन से पीपल आर द ऑपरेटर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और कंप्यूटर। कंप्यूटर सिस्टम या इंफॉर्मेशन सिस्टम को जो ऑपरेट करें, जो आपके पास हार्डवेयर बनाएं, जो सॉफ्टवेयर बनाएं, जो डेटा कलेक्ट करें, जो प्रोसीजर्स बनाएं, जो इंफॉर्मेशन बनाएं, दीज ऑल के ऑल काम कौन कर रहा है, पीपल करते हैं, हम इंसान ही तो ये सारे के सारे काम कर रहे हैं। सपोज मैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहा हूँ, तो मैं कौन हूँ, बंदा हूँ, इंसान हूँ। मैं गेम बना रहा हूँ, तो मैं एक इंसान हूँ।
मैं एक सीपीयू बना रहा हूँ तो मैं एक इंसान हूँ, है ना। तो मैं हार्डवेयर बनाऊँ, सॉफ्टवेयर बनाऊँ, डेटा कलेक्ट करूँ या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूँ या उससे सिस्टम को यूज करने के रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस में डिजाइन करूँ, तो मैं हूँ क्या भाई? मैं इंसान हूँ जो कि ये सारे के सारे काम कर रहे हैं। सो पीपल जो है वो ऑपरेटर्स होते हैं इन कंप्यूटर्स एंड ऑपरेटिंग इन कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के। ओके, सो विद दिस आपका जो एसएलओ नंबर 17.1 है वो होता है कंप्लीट। आई होप दिस चैप्टर का जो सबसे सबसे पहला मेन नेम है वो आपको क्लियर होगा, देन आईटी की डेफिनेशन एंड अलोंग विद इट्स कंपोनेंट्स आपको सब कुछ क्लियर होगा जो मैंने आज के इस लेक्चर में समझाया। सो अगर क्लियर है तो मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बता दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बीइंग कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच अगर आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर चुके हैं एंड कमेंट करके बता दो कैसी लग रही है वीडियो आपको। थैंक यू सो मच, बाय।